हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आज बेटा हम ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे ठीक है सबसे पहले तो डेफिनेशन पे आते हैं व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हाउ मेन, हाउ मच प्रेशर शुड अप्लाई टू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस कितना प्रेशर चाहिए जिससे ऑस्मोसिस का जो फिनोमिना हो रहा हो वो रुक जाए दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर उस प्रेशर को क्या बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर तो सबसे पहले समझ लेते हैं ऑस्मोसिस हमारे पास क्या है राइट right? ये डायग्राम देखिए इसमें हमने क्या किया है एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन ली है जिसे हमने कंटेनर के बीचों-बीच लगा दिया फिक्स कर दिया है एक साइड उसके हमने प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन डाला है और दूसरी साइड हमने उस सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन बना करके डाला है राइट अब यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा सिर्फ एक सॉल्वेंट है हमारे पास तो वेपर प्रेशर यहां पे हाई है लेकिन यहां पर सॉल्यूशन बन चुका है और सॉल्यूट पार्टिकल्स के कारण वेपर प्रेशर कम हो चुका है तो यहां पर के हमारे पास क्या है लो वेपर प्रेशर राइट right? और ये सेमी परवल मेम्ब्रेन क्या करती है इसका काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने में से गुजरने देना और किसी पार्टिकल को नहीं सिर्फ सॉल्वेंट के कहते हैं सेमी मेम्ब्रेन क्या करती है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स को क्या करती है मूव करवाने में हेल्प करती है उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो फिनोमिना है टू कम्पन्ट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर सोल्वेंट पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सोलवेंट साइड टू सोल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्बरेन कहते ये जो प्रेशर का डिफरेंस जनरेट हो गया है सेमी परमेबल मेम्बरेन की एक तरफ प्रेशर ज्यादा है एक तरफ कम है तो इसे कम्पनसेट करने के लिए इसे बैलेंस करने के लिए सोलवेंट के पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करते हैं किसकी तरफ सोल्यूशन की तरफ इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं बेटा ऑस्मोसिस इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं ऑस्मोसिस उसके बाद अगर हमारे पास जब इस तरफ से दोबारा से प्रेशर सॉरी दोबारा से जब रिवर्स होने लग जाए सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट तो उसे बोल देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस कहते द होल साइज ऑफ दिस मेम्ब्रेन लाइक दैट ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन पास बट नॉट द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट जो इनके बीच में छिद्र है मेम्बर इनके बीच में जो होल है मेटर उनका कहते साइज इतना होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या गुजर सके सोल्वेंट के पार्टिकल्स सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं यूजली कहते इन सोल्यूशंस द साइज ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सोल्यूट पार्टिकल्स ये देखा गया है कि सोल्यूशन में जर्नली क्या होता है सोल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू सोल्यूट पार्टिकल्स सेमी फर्मेबल मेम्बरेन इज मेडअप ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल सेमीफर्मेबल में प्लांट सेल और एनिमल सेल की बनी हो सकती है बच्चा इसके अलावा सिंथेटिकली भी इसे प्रिपेयर किया जा सकता है जिसमें किसका इस्तेमाल होता है मेड अप ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइट का इस्तेमाल करके भी कुछ आर्टिफिशियल मेंब्रेन बना ली जाती हैं राइट right? अब ऑस्मोटिक प्रेशर का हम देख लेते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन है पाई वी इक्वल्स टू एन बी आर टी होता है जहां पे पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है वी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है टी टेम्परेचर है और NB, जो आप लोगों को को पता ही है of of है नंबर ऑफ ऑफ मोल्स बेटा अगर इस पाई को हम क्या कर सॉरी इस वी को हम नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा पाई इक्वल्स टू एन बी अपॉन वी आर टी ये एन बी अपॉन वी किस चीज का फॉर्मूला था आप लोगों ने किया था ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी राइट ये हमारे पास किस में आ रहा था मोलैरिटी की डेफिनेशन में आ रहा था राइट right? तो हम क्या करेंगे यहां पर सी से रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा इसे रिप्रेजेंट कर देंगे सी से तो हमारे पास हो क्या जाएगा पाई पाईक्वल्स टू सी आर टी सी जहां पर क्या है मोलर कंसेंट्रेशन भी बोल रहे हैं हम इसे ठीक है या मोलैरिटी भी मोलैरिटी हम इसे बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पे इसे सी से, से रिप्रेजेंट किया गया है ठीक है ये बात आपने ध्यान में रखनी है वैसे हम इसे किससे रिप्रेजेंट कर सकते थे एम से रिप्रेजेंट कर सकते थे क्योंकि ये मोलैरिटी बन गया लेकिन इस इक्वेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन को अलग करने के लिए इसे किससे रिप्रेजेंट किया गया है सी से बेटा उसके बाद कहते इफ यू एग्जर्ट प्रेशर मोर प्रेशर ऑन सोल्यूशन साइड देन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल रिवर्स्ड। अगर कहते हम ज्यादा प्रेशर लगा दें किस साइड पे बेसिकली हमने क्या प्रेशर एग्जर्ट करना है प्रेशर एक्जर्ट करना है ताकि उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोका जा सके उसे बोलते हैं क्या ऑस्मोटिक प्रेशर तो कहते हैं कि अगर हमने ज्यादा प्रेशर जो है वो एक्जर्ट कर दिया तो क्या हो जाना हो जाना होना स्टार्ट हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस इन अदर वर्ड्स इफ यू अप्लाई प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन साइड देन साइडेंट पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सोल्यूशन साइड टू सोलवेंट साइड तो कहते अगर हमने क्या कर दिया प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर दिया तो हमारे सोलवेंट पार्टिकल स्टार्ट होना मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे सोल्यूशन साइड की तरफ से सॉल्वेंट साइड की तरफ सोल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे इस फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे रिवर्स ओस्मोसिस ये दोनों रिवर्स ओस्मोसिस की ही डेफिनेशंस थी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास रिवर्स ओस्मोसिस की कहते हैं रिवर्स ओस्मोसिस की हेल्प से हम डी ऑफ सी वाटर कर सकते हैं यानी कि जो समुन्द्र का पानी है उसमें से नमक को सेपरेट आउट कर सकते हैं राइट right? उसके बाद इनके पास आ, हमने क्या ले लिए केसेस ले लिए कौन कौन से केस आ सकते हैं वही हमारे पास लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन यहां पर अब हमने दोनों जगह पर सोल्यूशन ले लिया लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन यहाँ पर मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन यहाँ पर बेटा जितना हमारे पास लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा राइट right? वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा जितना ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा यानी कि ज्यादा कंसेंट्रेटेड कैसे होगा सोल्यूट की मात्रा बढ़ा देंगे सोल्यूशन में तो उससे जो है वेपर प्रेशर में इंटरफेरेंस आ जाएगी राइट right? तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा तो मोर सॉल्यूशंस सोल्यूशन केस में बेटा वेपर प्रेशर कम होता है लेस कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन केसेस में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है अब आप देखिए हाई टू लो हमारे पास अब यहां पे क्या आ गया है कॉन्सनट्रेशन डिफरेंस ठीक है कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया है तो हमने क्या कहा है सी टू ज्यादा है ये देखिए अगर कंसंट्रेशन वन कम हो उसका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा सी टू की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास ज्यादा हो तो उसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा राइट मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेस वेपर प्रेशर ये दोनों चीजें आपस में ऑपोजिट है ज एडिशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इंक्रीजेस जैसे जैसे एडिशन ज्यादा हो जाएगी सोल्यूट की मैं आपको बता चुकी हूं ठीक है तो वेपर प्रेशर भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इंक्रीज होने जाएगी ठीक है उसके बाद ये हम लोअरिंग की बात कर रहे हैं बेटा डेल्टा पी निकालने की उसके बाद है सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर अब सॉल्वेंट के पार्टिकल स्टार्ट होना मूव करेंगे कहा से हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर यानी कि लो कंसनट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ वेन टू सोल्यूशन ऑफ सेम लिक्विड सेपरेटेड बाई सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन देन सॉल्वेंट पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन एंड दिस फिन इज नोन एज ऑसमोसिस दियर फोर पाई इक्वल्स टू सी आर टी हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी अगर कहते हम दो सॉल्यूशंस लें और उनका सेम टेम्परेचर ले लें हमारे पास, पास पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के अगर सी वन और सी टू दोनों कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो उस केस में पाई वन इक्वल्स टू पाई टू हो जाता है राइट ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दोनों का बराबर हो जाएगा इफ टू सॉल्यूशन हैव सेम कंसंट्रेशन देन देयर ऑस्मोटिक प्रेशर आर आल्सो सेम और ऐसे सोल्यूशंस को क्या बोल देते हैं बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोल देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम इफ ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम देन कंसंट्रेशन आर आल्सो सेम अगर हमारे पास क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन भी बेटा सेम हो गई ना क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लगाना पड़ रहा है ताकि कंसंट्रेशन डिफरेंस था इसलिए अब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ही नहीं है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दोनों का सेम हो जाएगा आर दो हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर तो हम बोल सकते हैं कि उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होती हैं और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहता है राइट right? अब हमारे पास एक और केस आ जाए अगर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर एक का ज्यादा हो जाए दूसरे का कम हो जाए यानी कि एक की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ज्यादा हो जाए दूसरी कम सो दैट सोल्यूशन विच इज हैविंग हाई मोलर कंसनट्रेशन तो ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसनट्रेशन ज्यादा होगी और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उस सोल्यूशन को वो हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन बेटा और दूसरा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हम बोल देंगे कौन सा सोल्यूशन हाइपोटोनिक ठीक है हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन आ गए हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक तो आपको एक एग्जाम्पल दे रखी है आपके बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कि हमारे पास बाहर कोई लिक्विड पड़ा है और ये हमारे पास क्या है ब्लड का ब्लड uh, सेल है ठीक है ब्लड सेल की जो ये वॉल है ये किसका काम कर रही है मेम्ब्रेन का, का काम कर रही है बाहर हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन रखा हुआ है हाइपोटोनिक सोल्यूशन हमारा कौन सा है बेटा हाइपोटोनिक जिसमें कंसनट्रेशन कैसी है हमारी लो है कि हाई है हाइपोटोनिक में हमारी कंसनट्रेशन जो है लो है तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि माइग्रेशन कहां से कहां होगी अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ तो आपका आंसर क्या होगा कि कंसंट्रेशन हमारे पास कहाँ है कंसंट्रेशन कहाँ पे कम है हाइपोटोनिक है बाहर तो कंसंट्रेशन बाहर लो है तो ये हमारा अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम आउटसाइड टू इंस आउट बिकॉज कंसेंट्रेशन आउटसाइड इज लोअर एज कंपेयर टू इनर राइट right? तो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा ब्लड सेल क्या हो जाएगा स्वेलप हो जाएगा और कुछ देर बाद हमारा जो ब्लड सेल है वो बर्स्ट हो जाएगा ठीक है ऐसे ही दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा अगर हमने हाइपरटोनिक बाहर रखा हुआ है राइट right? और ब्लड सेल के अंदर कंसेंट्रेशन लो है तो अगेन अंदर से बाहर की तरफ हमारा जो माइग्रेशन है होना स्टार्ट हो जाएगा और तो इससे क्या होगा हमारा जो ब्लड सेल है वो श्रिंक हो जाएगा ठीक है बेटा दैट्स वाई डॉक्टर प्रिजर्व द ब्लड सेल ड्यूरिंग सर्जरी इन ब्राइन सोल्यूशन सो दैट सेल विल नॉट श्रिंक और स्वेल अप ड्यू टू माइग्रेशन इसलिए वो कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो ब्लड सेल्स को प्रिजर्व करते हैं ब्राइन सोल्यूशन में सर्जरी से पहले ताकि ना ही श्रिंक हो आपका ब्लड सेल ना ही वो स्वेलअप हो जाए ब्राइन सोल्यूशन होता क्या है एक तरह का सॉल्ट सोल्यूशन ही होता है बेटा ठीक है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड सेल की जो अंदर लिक्विड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल बना दी जाती है ताकि किसी भी तरह की माइग्रेशन आकर ही ना हो सके इफ वी मेक आइसोटॉनिक सोल्यूशन देन कॉन्सेंट्रेशन बिकम सेम देस विल आकर माइग्रेशन स्टॉप ठीक है अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बना दें जिनमें कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम हो जाए तो ऐसे सोल्यूशंस में क्या हो जाता है बेटा ऑसमोस ही नहीं होता क्योंकि माइग्रेशन स्टॉप हो जाती है माइग्रेशन बेटा तभी होगी जब हमारे पास वेपर प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस चलेगा कोई भी चीज अपने आप को बैलेंस करने के लिए ही हिलजुल करेगी अगर वो बैलेंस्ड है तो माइग्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा राइट so whenever blood cells are used for many uh, any purpose of research in that condition that always dipped in brine solution and it is that solution which is exactly isotonic with our blood concentration right तो so, brine solution बनाया जाता है जब भी हमने blood cells को preserve करना हो उन्हें brine solution में preserve किया जाता है और उस solution की जो concentration है बिल्कुल same बनाई जाती है जो blood cell की हो ताकि वो किसी भी तरह burst या फिर shrink ना हो तो so, इस पूरे चैप्टर की समरी में हमने क्या देखा बेटा प्रेशर किया हमनेल्यूट राइट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया हमने उसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किया वो भी किसके डायरेक्टली प्रपोर्शन था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के ऑस्मोटिक प्रेशर अभी हमने देखा उसमें भी हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो बेटा चाहे हम लोअरिंग रेलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फिल पॉइंट या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर सबके सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के तो ऐसी प्रॉपर्टीज दीज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज नॉन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली हो उन्हें बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं तो ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी जो हमने अब अच्छे से पढ़ के फिनिश कर ली हैं दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट इनका पार्टिक सोल्यूट के पार्टिकल साइज से कोई लेना देना नहीं होता सिर्फ और सिर्फ उनकी कंसंट्रेशन से लेना देना होता है सो दीज आर द आपके पास ये था तो हमारे पास यहां पर दोबारा से यही लिखा गया कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग लौ, इन वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज है राइट बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक है सिमिलरली ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ अलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक है आपके सिलेबस में ये यहीं तक था थैंक यू सो मच बेटा